हाय एवरीवन, दिस इज़ रूही। और आज की जो मेरी रेसिपी है, इट्स अ रिच कैरेमल सॉस जो कि आप इजीली घर पे बना सकते हो और लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा पैन चाहिए जो काफ़ी वाइड हो, खुला हो, ताकि जब मैं इसमें शुगर डालूँ वो इजीली स्प्रेड हो जाए। और उसका बॉटम काफ़ी हैवी होना चाहिए ताकि शुगर बर्न ना हो। बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये सॉस बनाने जा रहे हैं, जिसमें मुझे चाहिए शुगर विच इज़ 1 कप, वाटर विच इज़ 1/2 कप, यहाँ मैंने लिया है बटर विच इज़ 2 टेबल स्पून, और फ्रेश क्रीम विच इज़ 145 ml। आप इसमें हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। साथ में मैंने पानी लिया है एक्स्ट्रा, एक ग्लास के अंदर आप लोगे। साथ में पेस्ट्री ब्रश चाहिए आपको, जो कि बर्न ना हो ईजिली पैन में लगने पर। इस तरह का पेस्ट्री ब्रश होना चाहिए। अब सबसे पहले शुगर को हम लोग स्प्रेड कर लेंगे पैन के अंदर। एक जगह पर इकट्ठे नहीं डालना है, इस तरह से फैला के डालना है। अब इसमें ही इसी के साथ ले लेंगे पानी। जब आप इसे कुक करेंगे, इसमें स्पैचुला नहीं लगाना है। जब आपको लगे कि बबल्स आने स्टार्ट हो गए और आपको इसको विस्क करने की या हिलाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपने इसको इसी तरह से उठाकर सिर्फ घुमाना है, पैन नहीं लगाना। और जो साइडों में आपको शुगर नज़र आ रहा है जो स्टिक हो रहा है, उसे रिमूव करने के लिए आप पेस्ट्री ब्रश को पानी में डिप करेंगे और इस तरह से हम लोग शुगर को वापस पैन के अंदर कर देंगे। जस्ट मेक श्योर कि आपका फ्लेम बिल्कुल लो फ्लेम पे होना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू लिया है ताकि शुगर के अंदर कोई इंप्योरिटीज़ हैं तो वो ख़त्म हो जाए। नाउ सी, कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले सेंटर में होगा, ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। और इसी स्टेज पे गैस ऑफ करके हमने क्रीम डालनी है। क्रीम को अच्छे से विस्क करना है। जस्ट मेक श्योर कि क्रीम आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अंदर जाते ही सीज हो जाएगा, चीनी को सीज कर देगा। और जो क्रीम है आपका वार्म होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर लूँगी बटर विच इज़ अराउंड 2 टेबल स्पून। और इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बटर अनसॉल्टेड यूज़ किया है। अब इसे रूम टेम्परेचर पे लाके आप इसे आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हो फॉर अराउंड 15 to 20 डेज। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।